मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो भी पेशेंट आता है वो उस तरीके का आता है जिसके पास पैसे का उपचार कराने का हिसाब किताब नहीं हो पाता। डॉक्टर होने बड़े यहाँ पर एक दो डॉक्टर हैं, तो इसमें भीड़ ज्यादा रहती है, पब्लिक परेशान होती है, बाहर गेट पर खड़ी रहती है बाहर। 4 साल से पूरा अच्छा हो रहा है, हर डेढ़ हर तीसरे महीने बाद कर लेते हैं डॉक्टर, अच्छी दवाई दे रहे हैं। ये है पूर्वी दिल्ली का एक मोहल्ला क्लिनिक, इसे दिल्ली सरकार ने 2016 में बनाया है। कुल 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने को आम आदमी पार्टी ने वादा किया था। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीबों को मुफ्त में इलाज कराने के इरादे से मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे। आइए देखते हैं इनके कामकाज पर लोग क्या कह रहे हैं और इसमें काम करने वाले स्टाफ का क्या कहना है। ज़्यादातर पेशेंट एक तो नॉर्मल जो आते हैं वायरल या सीजनल वायरल है वो आते हैं, और दूसरा ऑन द टॉप ये जो स्किन के काफ़ी केसेस हैं, स्केबीज हो गई या फंगल इन्फेक्शन हो गए, ये ज़्यादा आते हैं। और उसके अलावा ये आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम काफ़ी है लोगों को, गैस की प्रॉब्लम बहुत है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबको गैस की प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा है। तो ये हाइजीन की वजह से भी होगा? हाइजीन की वजह से, हाइजीन बिल्कुल, जे कॉलोनी है तो हाइजीन तो है ही है। क्या हुआ है इनमें? आयरन की और कैल्शियम की कमी आई है। तो अभी ठीक हो रहा है यहाँ से दवाई? हाँ आराम है थोड़ा सा, आराम। हाँ 1 साल की बताई ना इन सर ने, 1 साल का नहीं है। तो यानी आप यहाँ इस मोहल्ला क्लिनिक में कब से इलाज कराने आ रहे हो? 4-5 महीने तो हो गए। 4-5 महीने पहली बार आई है इसे? नहीं पहले खा चुके हैं दवा हम यहाँ की, और फायदा मिलता है हमें। ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि कोई ऐसे पेशेंट्स अनड्यू एडवांटेज उठा रहे होंगे। बाकी ये कि उनको लगता होगा कि यहाँ के रिपोर्ट सही हैं, एक्यूरेट हैं, तो इसलिए वो आते होंगे। पहली चीज गरीब आदमियों के लिए ठीक है। अब तो पूरा गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 1-1 किलोमीटर के अंदर अंदर एक एक हम लोग करें। ना यहाँ लैट्रिन है करने का, ना पेशाब करने का जगह, और ना पानी की सुविधा है। ये तो एकदम सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था। अब आदमी आ रहा है 2-4 घंटा रुक रहा है, तो उसको मान लिया किसी बच्चे का पेशाब लग गया, जो भी पेशेंट आए पेशेंट के साथ आ रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? सबसे खास बात जो इन्होंने केजरीवाल जी ने अपनी चलाई है दिल्ली सरकार के अंदर, वो चलाई है मोहल्ला क्लिनिक की। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो भी पेशेंट आता है वो उस तरीके का आता है जिसके पास पैसे का उपचार कराने का हिसाब किताब नहीं हो पाता। मेरे पास अगर 10 रुपए हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि 10 रुपए की दवाई भी लूंगा और डॉक्टर को भी दिखाऊंगा। आज के टाइम में 500 रुपए डॉक्टर जो है फीस लेता है। 2016 के अंदर आदमी परेशान था, सरकारी हॉस्पिटल के धक्के खाता था, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर गंदगी बहुत रहती थी, लेकिन आज के टाइम में सरकारी हॉस्पिटल में आप जाके देखेंगे तो गंदगी मिलती ही नहीं है। लेकिन 500 रुपए डॉक्टर को देने की बजाय दिल्ली सरकार ने ये कह दिया कि जी आप जो है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आए। मोहल्ला क्लिनिक ये खुलने से 2016 के बाद सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर जितनी भीड़ हुआ करती थी आज के टाइम में उसकी आधी भी नहीं है, बेनिफिट ये हुआ। दूसरी बात यह है कुछ मोहल्ला क्लिनिक के अंदर हम चाहेंगे कि और थोड़ी सी तब्दीली हो, जैसे कि अगर टेस्ट हमारे जो है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर ही होने लग जाएं, जैसे कि अभी केजरीवाल जी कह भी रहे हैं कि हम ऐसी सुविधा बना देंगे इसको कि एक छोटा जो हॉस्पिटल हो जाएगा ये। अभी हम पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी के एक मोहल्ला क्लिनिक में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बड़ी संख्या में मोहल्ला क्लिनिक में इलाज के लिए आए हुए हैं। आप ये मोहल्ला क्लिनिक में कब से इलाज करा रही हैं? 4 साल से। तो आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा इलाज होता है? जी 4 साल से पूरा अच्छा हो रहा है, हर डेढ़ हर तीसरे महीने बाद कर लेते हैं डॉक्टर, अच्छी दवाई दे रहे हैं। फीस कैसा है यहाँ? कोई फीस नहीं, फ्री सेवा। क्या हुआ है आपको? थायराइड। थायराइड यानी आप यहाँ कब से इलाज करा रही हैं? 1 साल हो गया। तो आपको कुछ भी हो जाता है तो यहीं पे आते हैं? हाँ हम यहीं आते हैं। इससे आपको सुविधा हो रही है? हाँ मुझे आराम है यहाँ से दवाई लेने से। तो आप यहाँ कब से इलाज कराने आ रही हैं? बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम यहाँ दवाइयाँ अच्छी मिलती है? हाँ अच्छी मिलती है, जब भी तो आ जाते हैं। फिर बाहर भी कहीं इलाज कराने के लिए जाते हैं क्या इसके अलावा? नहीं जब यहाँ से फायदा हो जाता था तो दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है। डॉक्टर होने बड़े यहाँ पर एक दो डॉक्टर हैं, तो इसमें भीड़ ज़्यादा रहती है, पब्लिक परेशान होती है, बाहर गेट पर खड़ी रहती है बाहर, यही चक्कर है। सबको 2-3 घंटे में नंबर आता है, कोई दवाई होती नहीं, कोई दवाई नहीं होगी तो बाहर से लिख के देंगे बाहर से ले आओ,
उसे बाहर से खरीदने पड़ते दवाई को। तो यानी थोड़ा बड़ी जगह होनी चाहिए आपको। जी जी, तो जगह तो बहुत छोटी जगह, 25 गज का मकान है, तो ये मकान 25 गज का, इसमें दवाई का को भरा हुआ है। इनमें सब आदमी परेशान भी होते हैं, बहुत से बाहर खड़े होते हैं, बाहर बैठ के 74 रुपये घर के आगे किसी के लोग, क्या कोई सुविधा हो बैठने की बाहर, किसी पार्क करने किसी को, कुछ सुविधा ना है थोड़ी, बस थोड़ा सा छोटी जगह है, यहीं बैठते उठते आदमी से, ये बाहर सुबह सुबह तक बाहर बैठे सब गली पूरी भर जाती है। जो मोहल्ला क्लिनिक है, एक तो ये बहुत छोटा है, और यहाँ पे पहले सुबह जल्दी टेस्ट हो जाते थे, सैंपल ले लिए जाते थे, और अब इस टाइम लिए जाते हैं, इतना ज़्यादा रश होता है और स्पेस कम है, उस वजह से थोड़ा सा खतरा भी रहता है कि अगर डॉक्टर से कोई मिलने जा रहा है कोई पेशेंट, तो अगर टच वच हो गया तो उसके ब्लड वगैरह निकलने में और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, तो या तो इसका थोड़ा स्पेस बढ़ाया जाए। जो इनका जो टोकन सिस्टम इन्होंने करा था अभी बीच में, वो 120 पेशेंट वाला, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, काहे को उस वजह से भी थोड़ा दिक्कत पड़ती है पेशेंट को। ये टोकन सिस्टम क्या है? ये टोकन सिस्टम करा गया था, काहे को नहीं तो लोग ज्यादा भीड़ करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा नंबर है, पहले मेरा नंबर है। मोहल्ला क्लिनिक पे आपके क्या रहे? बहुत अच्छा है, मेरी तो कई बीमारी ठीक हो गई। क्या बीमारी थी? अब फिलहाल तो मैं खांसी की दवाई लेने आई हूँ, मेरी कमर में दर्द था, कैल्शियम की दवाई मिलती थी, मैं बहुत अच्छे से ठीक हो गई हूँ। पहले भी मुझे लेडीज प्रॉब्लम थी, वो यहीं से ठीक हुई। आपको यहाँ पे दवाई अच्छी मिल जाती है? हाँ, अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है, आराम मिल जाता है। अगर बड़ी बीमारी होती है तो ऐसे में बाहर कहीं इलाज कराते हैं? हाँ, लाल बहादुर चले जाते हैं। लाल बहादुर वहाँ पे कैसे? यहाँ तो फ्री में मिलते हैं, लेकिन वहाँ भी फ्री में मिलते हैं? वहाँ भी फ्री में, वहाँ भी हर चीज़ फ्री में है, जैसे यहाँ पर ऐसे वहाँ पर। मोहल्ला क्लिनिक की स्टार्टिंग 2016 में हुई थी। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे पेशेंट को फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री मेडिसिन है, और सबसे अच्छी बात है पेशेंट के डोर स्टेप पे है, नियर टू होम है ये। और जो जांच बड़े बड़े अस्पतालों में होती थी, वहाँ क्राउड होती थी, उस क्राउड को कम किया गया इससे, सब हमारे पास से आके दवाइयाँ लेते हैं। और ये जो हमारा कमरा है, जो एक छोटा सा उसमें रेंटेड प्रमिसेस में है ये, लेकिन सरकार इसके लिए भी कर रही है, हमारा सामने कोटा केबिन बन गया है, 15 दिन के अंदर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉर्ट हो जाएगी। दिल्ली के आबादी के आधार पे देखा जाए तो वो तो बहुत कम है, ऐसा लगता है, आपको इस पे क्या कहना? दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, आती जाती है, मतलब कोई स्टे, लेकिन अगर 1000 से ज्यादा भी होंगे तो भी कम है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो मैं नहीं समझता कि 1000 कुछ ज्यादा है या कम है। सरकार जितना अपना है कर रही है अपने हिसाब से, लेकिन अच्छा कर रही है। इससे पहले दिल्ली में किसी सरकार ने इस तरफ कुछ नहीं ध्यान दिया, डिस्पेंसरी होती थी, मेडिसिन नहीं होती थी, पेशेंट रेफर हो जाते थे, हमारे पास आके सारे पेशेंट खुश हैं, सब सेटिस्फाई हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ गलत है। ये दिल्ली के कल्याणपुर स्थित एक मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ पे कई सारे लोग इलाज कराने के लिए आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। मुझे वायरल हो गया था कुछ दिन पहले, उसका अच्छा ट्रीटमेंट मुझे मिला, अब थोड़ी वीकनेस है और थोड़ी खांसी भी है, तो कफ के लिए मैं इलाज तो काफ़ी दिनों से करवा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे इन्फेक्शन जो हुआ था ये पिछले 2 हफ्ते हो गए तब हुआ था, तो 2 हफ्ते मैंने वो दवाई खा ली और तीसरा हफ्ता मेरा चल रहा है। तो अच्छा है, आपको मोहल्ला क्लिनिक में सभी दवाइयाँ मिल जाती हैं? हाँ, बिल्कुल अवेलेबल हैं, और नहीं होती तो दूसरे दिन आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दवाइयों में यहाँ, और बहुत अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं। हाँ, कॉस्टली से कॉस्टली दवाई हमें यहाँ से मिल जाती है, कोई बाहर से नहीं लिखी जाती। तो मोहल्ला क्लिनिकों को और अच्छे तरीके से यानी सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें टाइमिंग है कुछ, आजकल ये थोड़ा वो लिमिट कर रहे हैं, तो लिमिटेशन में थोड़ा अगर सुधार किया जा सके, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं, वो लोग लेट आते हैं, तो ये शाम को या जिस तरह भी प्रबंध इसको बनाया जा सके तो वो भी अगर हो जाए तो अच्छा है। वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है ये, लेकिन हमें आज सुनने में आया है कि यहाँ 120 ही मेंबर लिए जा सकते हैं सिर्फ पेशेंट। वैसे तो कई जगह हैं ये मोहल्ला क्लिनिक, पर यहाँ की इन्होंने एक लिमिट है शो की है, आज ही के दिन, पहले तो मिलते थे सबको, तो आगे दें 120 आदमियों को ही देना है, शायद वो सैटरडे का ही कारण है या वो जा और है, तो वो बढ़ा दी जाए लिमिट, अच्छा है। जैसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते, उनको कोई ले जाने वाला नहीं होता है अस्पताल,
तो वो अपने आप ही पास में मोहल्ले होने के कारण वो अपने आप ही पैदल चलते हुए आ जाते हैं और उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। हम लोग भी पहचान जाते हैं बार बार आते हुए मरीजों को, बुजुर्ग मरीजों को, तो हम उनको जल्दी से दवाई वगैरह दे देते हैं। नॉर्मली तो मोहल्ला क्लिनिक ऐसी जगहों पर खोला गया है जहाँ गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी बस्तियों हैं, स्लम एरिया हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं जहाँ पर, तो वहाँ के लोग मोस्टली ऐसा माना जाता है कि गरीबी होंगे, तो नॉर्मली ये गरीबों के लिए खोले गए थे मोहल्ला क्लिनिक। लेकिन यहाँ का इलाज और दवाइयाँ से लोग बागों को फ़ायदा होते देख के अब केवल गरीब ही नहीं, अच्छे तबके के लोग जिनके पास दो दो गाड़ियाँ हैं, मकान है और किसी प्रकार की उनको पैसे की कमी नहीं है, ऐसे लोग भी यहाँ का फ़ायदा उठा रहे हैं अच्छे से। थायराइड हो गया, शुगर हो गया, वो पेशेंट ज़्यादा हैं और उनमें लेडीज़ ही ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर इस एरिया में। जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर मैंने इतना सुनने में नहीं आया थायराइड का, बहुत पेशेंट आते हैं यहाँ पर थायराइड के टेस्टिंग के भी और मेडिसिन के भी, थायराइड और शुगर के, बीपी के पेशेंट भी आते हैं। और लेडीज़ का यही है जो यहाँ आसपास की झुग्गियों जैसे झुग्गियों टाइप से आते हैं उनको वो साफ़ सफाई का बहुत वो रखते हैं, उनको फंगल की और जैसे वजाइना इन्फेक्शन की होती है उसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है उन लोगों को, और उन लोगों को जैसे इस चीज़ के लिए एक तरह से काउंसलिंग की ज़रूरत है काफ़ी। बिना आधार के यहाँ पर इलाज नहीं होता। हाँ, इस आइडिया ये आईडी के लिए यहाँ पे है, लेकिन जैसे झुग्गी वालों के पास मोस्टली के पास ये जो वर्कर्स होते हैं उनके पास नहीं होता है, तो हम उनका एड्रेस उस पर मेंशन कर देते हैं स्लिप्स पे जहाँ वो रहते हैं, उनका झुग्गी नंबर हो गया, उनका हाउस नंबर हो गया, वो मेंशन कर देते हैं हम, मतलब कोई ना कोई उनकी आईडी डाल देते हैं उस पर, यानी इससे भी इलाज हो जाती है। हाँ, जो ज़रूरतमंद है उन लोगों के, नहीं ये सबके लिए नहीं, तो जिन लोगों की अपनी आईडी कोई आईडी है नहीं उन लोगों के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।